हाय गाइस, मैं मैनहट्टन में पिछले एक महीने से रह रही हूँ और मैं काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ यहाँ के स्ट्रीट्स के, मेरे ट्रेन राइड्स के और जहाँ पे मैं यहाँ से गई हूँ अब तक वहाँ के। लेकिन अब फिलहाल मुझे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा कि मैनहट्टन में आप जो रह रहे हो तो कैसे रह रहे हो, बिल्डिंग कैसी है, क्या है। सो आई थॉट कि आई शुड मेक दिस वीडियो। और चलिए, ये तो आपको घर का नज़ारा दिख ही रहा है, मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हूँ एंड वी हैव राइट देयर। लेकिन मैं आपको डिटेल वीडियो बना रही हूँ, यू नो, राइट फ्रॉम हाउ माय बिल्डिंग लुक्स, एंट्रिंग माय बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। सो चलिए इस बिल्डिंग के सफर पे एंड एंजॉय कीजिए। तो ये अपनी बिल्डिंग है जिसे मार्क बोलते हैं, और मैनहट्टन का ना एक स्टाइल है, यहाँ पे बिल्डिंग को ना नाम से नहीं बोलते। सो बोलते जैसे 215, 210, जो जैसे अपना बिल्डिंग नंबर इज 260 वेस्ट, सो दैट्स द बिल्डिंग, दो द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज मार्क। सो हम बिल्डिंग में आ गए हैं, आपको आते ही एक बहुत अच्छा रिसेप्शन एरिया देखने को मिलेगा। राइट पे ये सैनिटाइजिंग मशीन रखी हुई है और ये कॉन्सियर्ज डेस्क है। सो ये कॉन्सियर्ज मैनेजर है। या तो अगर आपके कोई बड़े पार्सल आते हैं या कोई भी आपके लिए गेस्ट आपको मिलने आते हैं तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उनसे बात कराते हैं और फिर आपको ऊपर भेज देते हैं। ये है यहाँ पे एक यू नो पोस्ट एरिया, पोस्ट बॉक्सेस रखे हैं सब अपार्टमेंट्स के। तो अगर आपको कोई लेटर वगैरह आता है बैंक रिलेटेड या कुछ भी, तो यहाँ पे आपके लेटर्स ड्रॉप किए जाते हैं। और ये है लॉबी एरिया जहाँ पे 4 लिफ्ट्स है, क्योंकि जाहिर है 48 स्टोरी बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट्स है, तो यू रिक्वायर 4 लिफ्ट। तो ऐसे है यहाँ पे एंड दिस लिफ्ट्स आर वेरी फास्ट। यहाँ पे ये लेवल पे और एक डोर है जो आप एंटर करते ही आपको घर की इमरजेंसी, अगर ज़रूरत की चीज़ें है जैसे है सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स, चिप्स, अगर आपको चाहिए तो ये यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन रखी हुई है और ATM भी है अगर आपको कैश वगैरह विड्रॉ करना है, सो दिस इज देयर। और यहाँ से अगर आपको बिल्डिंग के पिछले हिस्से जाना है तो यहाँ पे और एक रोड है। अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के 10th लेवल पे जहाँ पे एक कॉमन एरिया है। सो यहाँ पे जिम है, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट गुड टू रिकॉर्ड पीपल, कुछ लोग ऑलरेडी जिम में है तो दे वोंट बी कंफर्टेबल। जिम की ऑपोजिट तरफ ये बिलियर्ड्स वगैरह रूम है, यू नो गेम रूम है। यहाँ पे फिलहाल ये खाली है, कोई नहीं है अंदर। कॉमन एरिया है, वॉशरूम्स है और ये इन्होंने ना 3 ई स्कूटर्स रखे हैं। तो अगर आपको विद इन द सिटी घूमना है तो आप यहाँ पे ये रेंट पे ले सकते हो। और ये यहाँ का ऑफिस एरिया है, अगर आपको कुछ भी ऑफिस रिलेटेड प्रिंटिंग करनी है या कुछ करना है तो है। ये ऑफिस है क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग रेंटेड है, तो यू नो दैट इज द प्लेस। और हमने अभी देखा था एक वो लॉन्ड्रो एरिया, लॉन्ड्री मैट। अब हम लिफ्ट के अंदर है और हम जा रहे हैं अपने फ्लोर पे, विच इज द 46th फ्लोर। ये लिफ्ट के अंदर का नजारा है और हम आ गए अपने फ्लोर पे। ये देखिए ये फ्लोर है, सारे फ्लोर एक जैसे ही है, 4-4 अपार्टमेंट्स दोनों तरफ है, बीच में रेफ्यू यू नो एरिया है जहाँ पे अगर हम गार्बेज शूट है, अगर हम हमारा यू नो डेली कूड़ा हमको फेंकने के लिए। एंड दिस इज माय अपार्टमेंट, नाउ दिस इज इनसाइड द अपार्टमेंट। अंदर आते ही छोटा सा डाइनिंग टेबल, दिस इज द किचन, कंप्लीटली यू नो फुल किचन उन्होंने प्रॉपर दिया है, जहाँ पे यू नो यू हैव योर डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, कॉफी वेंडर, सब कुछ है। एक छोटा सा डेस्क है, स्टडी टेबल, दिस इज अ स्मॉल सोफा। अच्छा से उन्होंने एस्थेटिकली सजाया है घर, मिनिमलिस्ट तरीके से। यहाँ पे वॉशिंग रूम, आई मीन वॉशरूम है और स्टोर रूम है। एंड ये है बेडरूम, वहाँ पे भी इन्होंने टीवी रखा हुआ है और अंदर बेडरूम के अंदर देयर इज अ वॉक इन क्लोजेट। सो ये है छोटा सा मेरा अपार्टमेंट जो मैं एंजॉय कर रही हूँ पिछले एक महीने से।
So this is it. The best thing about this apartment is ना ये बीचो बीच है मैनहट्टन के, तो 5 मिनट पे टाइम स्क्वायर है, कोलंबस सर्कल 4 मिनट पे, इट्स वेरी गुड. तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे मुझे रहने में. और ये नज़ारा है मेरे घर से जो आपको दिखता है. देखिए मैं 46 फ्लोर पे हूँ और यहाँ से भी इतनी लंबी लंबी दिखती है बाकी की बिल्डिंग्स. तो कितनी लंबी होंगी ये, ऊंची होंगी ये बिल्डिंग्स. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत बड़े घर में रहने के बाद जब हम एयरबीएनबी में यहाँ रह रहे हैं, इनफैक्ट दुबई में भी रहे और अभी मैं मैनहट्टन में भी रह रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. क्योंकि बड़ा घर मैनेज करने के लिए हमको बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है. और जब ये इतना सा छोटा सा कॉम्पैक्ट घर है तब ये रियलाइज़ होता है कि हमें एक्चुअली ज़्यादा इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत है नहीं. हम अपनी आदतें खुद बिगाड़ते हैं, हम अपनी ज़रूरतें खुद बढ़ाते हैं आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड कम्फर्टेबल एंड फील सो गुड कि यू नो आई एम एबल टू मैनेज इट ऑन माई ओन. मुझे यहाँ पे वैसे यहाँ पे हेल्प मिल जाती है लेकिन हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना जब छोटी सी स्पेस होती है वो आप इजीली खुद मैनेज कर सकते हो. So guys, I am enjoying this stay here in my New York and I hope you enjoyed watching this video. Bye-bye.